मतलब बनाते हैं दूसरे शेप के गुलाब जामुन, और जैसे कि काला जाम होता है ना वैसे ही बनाएंगे, लेकिन वो काला जाम नहीं है, वो गुलाब जामुन का एक दूसरा दूसरा शेप है। तो यहाँ पे करना क्या है, जो इन्होंने मिक्स दिया है उसे ले लेना है और 120 ml दूध डालना है उसमें, और उसको ना बस ऐसे ही मिक्स करके ना रख देना है 10 मिनट के लिए। जो डो बनेगा ना वो थोड़ा सा स्टिकी होगा, चिंता नहीं करने का। अब क्या करना है ना, 3 कप चीनी और 3 कप पानी को अच्छे से उबाल लेना है उसमें इलायची डालकर, और फिर जब 10 मिनट हो जाए तो उसके बाद हाथ पे घी लगाओ और इसका अच्छे से डो बना लो, क्योंकि ऑलरेडी ये डो बन चुका है। अब इसको एक डिफरेंट शेप दे देते हैं और क्या, तल देते हैं। तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब जल जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और जो चाशनी है जिसमें हम डिप करेंगे, उसको अगर ठंडी हो गई है उसे गर्मा लीजिए और उसके बाद उसको डिप करिए। डिप करने के तुरंत बाद मत खाइएगा, इसको 15 मिनट रखिए और फिर इसका आनंद उठाइएगा, बड़ा मजा आएगा।